हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी एलपीसी बीटी थ्री का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी कुछ जोन के ही यहाँ पे रिजल्ट आए हुए हैं, जैसे कि आरआरबी मालदा, आरआरबी बेंगलुरु, इन सब जगहों का ये आपका रिजल्ट धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और जगह जगह के अपडेट्स आते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आरआरबी मालदा और आरआरबी बेंगलुरु का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आरआरबी मालदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं रिवाइज नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर CEN 01/2018 यहाँ पे ये है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इनके रिजल्ट्स में जाके आप चेक कर सकते हैं आरआरबी मालदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप यहाँ जाएंगे रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑफ सेकंड स्टेज CEN 01/2018, इस पे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। इस लिंक को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे ये खुल जाएगा। और फ्रेंड्स, और इसको जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट। ये आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, आरआरबी मालदा का यह ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है, जारी हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रोल नंबर्स दिए गए हैं, पूरे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप लोग अपने रोल नंबर को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हुआ है आरआरबी सीबीटी थ्री के लिए कि नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ आरआरबी बेंगलुरु के लिए दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरआरबी बेंगलोर के लिए। फ्रेंड्स, बेंगलोर के यहाँ पे आप जैसे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेंगलोर में जाएंगे तो यहाँ CEN 01/2018 का जब आप लोग यहाँ इस जगह पे देखेंगे, सो फ्रेंड्स यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट का पब्लिश हो चुकी है सेकंड स्टेज सीबीटी टू का। सो फ्रेंड्स, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका आप लोग का सेकंड पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि CEN 01/2018 के लिए रिवाइज रिजल्ट फॉर द ALP, इस पर आप लोग चेक करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट का लिंक यहाँ दे रखा है, इस पर खोलते ही आप लोग को बेंगलोर का रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग जोन में फ्रेंड्स अलग अलग कट ऑफ्स गई हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग के इसमें जो कट ऑफ्स आई हैं फ्रेंड्स, पिछली बार से थोड़ी सी हाई हैं कुछ कुछ कैटेगरीज़ की, एंड कुछ कुछ की लो भी गई हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ की इस जोन में कितने बच्चों को इस जोन से बुलाया गया है। यहाँ पे इनके लिंक दे रखी है, पहले इस लिंक को खोलते हैं, देखते हैं कितने लोग को ALP CBT 3 के साइको टेस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल किया गया है एंड बुलाया गया है। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको लिंक को खोलते हैं हम लोग पहले, और ये यहाँ पे रिजल्ट इन लोग का ये लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जो दिखा रहा है सीबीटी के लिए, जो जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं उनका हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कितने बच्चों को यहाँ पे टोटल बुलाया गया है इसके लिए। इसमें फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं यहाँ पे 12,692 स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं आरआरबी बेंगलोर जोन के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए इतने बच्चों को बुलाया गया है फ्रेंड्स। आगे हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं इसका कट ऑफ कितना गया है यहाँ पे। आप लोग इसका कट ऑफ चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम आप इसका कट ऑफ चेक करते हैं कितना कट ऑफ गया है इनका। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये आरआरबी बेंगलोर का ये कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ इनका गया है जैसे अनरिजर्व के लिए 57.5207 गया है, एससी स्टूडेंट्स का 30.028 गया है, एसटी का 25.004, ओबीसी का 48.57, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए गया 43.24, और एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 56.35, और ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 38.33 कट ऑफ किया है फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग जोन्स के अब धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पूरे अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।